लोग सफर करते हैं, सैरो तफरी शहर आंदे जाहिर है जी, इधर मुड़ना है जी, मुड़ जे मुड़ बस मुड़ जे ऊपर से बात ती साडा तो देखो स्विट्जरलैंड वो गलत आ दे सच्ची गल है कि स्विट्जरलैंड ही है तो लाहौर लाहौर ही बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भरावान को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत नाल होसो। दोस्तों अज का वीलॉग शुरू करें पे अस आए हुए हैं राजा यासिर हुमायूं साहब जेरे सूबाई मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर वजीर तालीम हैं अजकल पंजाब के, और बड़े दबंग जे जरा वो हैं सियासतदान हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। असा उन्होंने घर बैठे हुए हैं, मुबीन भाई भी नाल हैं, हमजा भी नाल है, और जरा उन्होंने नाल हमने थोड़ी मुलाकात भी करवाने, उन्होंने नाल गपशप भी लेने जी। दोस्तों असा मौजूद हाँ राजा यासिर साहब के घर। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसे आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। बल्कि सरायकी एक गाल करनी पोसे क्यों जो तुसा तो सरायकी समझ भी गिंदे और बोल भी गिंदे। जी समझ गिंदा जी। अच्छा तुहाडी बोली भी तकरीबन सरायकी नाल मिलदी जुलदी है ना? जी हां मिलदी है। अच्छा तो तुहाडा ज़रा ब्रॉट अप जरा है वो तो चलो इत्थे हुंदा है, लेकिन ज्यादा तुहाडा टाइम बाहर भी गुजरे, तुहाडी एजुकेशन उत्थों दी है, उत्थों वाला सारा सिस्टम छोड़ के इत्थे आ गए वे, इत्थे ज्यादा मजा है या उत्थे ज्यादा मजा है? देखो जी वो अंग्रेजी की कहावत है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, तो इतने जो पाकिस्तानी लोग बैठे न समझते हैं कि अमरीका बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, जो उत्थे बैठे न हर वक्त सोचते रहते हैं कि वापस जाइए किस तरह पाकिस्तान कुछ करिए, तो मेरा ख्याल है कि इंसान जिते हुए उत्थे खुश रहना चाहिए। अच्छा तुहाडा जिहड़ा पहला इलेक्शन हा वो तुसा किहड़े सने च लड़िया और किहदे खिलाफ जितया वे और किहड़ी पार्टी तरफों? पहला इलेक्शन हार गया सी 2013 च लड़िया। अच्छा तो वो पीटीआई दी तरफों ही लड़िया है। घुड़सवारी का बड़ा शौक है तकरीबन, ते तुहाडा भी कियो जा शौक है या कोई खेल खेलना है? एक्चुअली फैमिली च कदम है कि जड़े घुड़सवारी करदे। अच्छा अच्छा बस नहीं गया बस नहीं लेकिन मैं जी स्विमिंग दा शौक है। अच्छा अच्छा ते ओदे अलावा ट्रैवलिंग दा शौक है, फोटोग्राफी दा है, किताबां पढ़न दा शौक है, ते कारां दा शौक है। दुनिया च केरी जगह तो आपको खूबसूरत लगती है ट्रैवलिंग वास्ते, तुहाडा जित्था ज्यादा रूह लगदा होवे कि उत्थे वञणा चाहिदा है? वैसे तो मैं काफ़ी दुनिया फिरे हैं जी, और लेकिन मेरा ख्याल है कि जिहड़ी सच्ची गल है ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। जिहड़े लोग आखदे हन कि जी हर जगह ही स्विट्जरलैंड, वो गलत आखदे हन। सच्ची गल है कि स्विट्जरलैंड ही है, तो लाहौर लाहौर ही। भावलपुर नाल भी तुहाडा कोई खास ताल्लुक है ना बाबा नाल, वो भी सब दसाओ ते सारे व्यूअर्स को। बिल्कुल जी भावलपुर नाल ताल्लुक है, उत्थे एक मेरे वालिद साहब दे पहले खालू है जी मियाँ शमसुद्दीन, मेजर शमसुद्दीन, वो मिनिस्टर आए एजुकेशन दे। अच्छा नवाब साहब की कैबिनेट च, तो फिर उन्होंने बेटी की शादी नवाब आवास खान अब्बासी नाल हुई है जी, मेरे वाले साहब की कजन हैं और नवाब साहब की वाइफ। अच्छा अच्छा ते बस ए रिश्तेदारी उन्होंने अगे जी औलाद है। बहुत शुक्रिया राजा साहब तुम्हारे टाइम का, तुम्हारी मुहब्बत का बहुत शुक्रिया। लो जी दोस्तों असा आ गए हैं वापस ऑफिस, बस ऑफिस पहुंच गए हैं। क्यों बनी खान कैसी रही रिकॉर्डिंग? लो जी दोस्तों दफ्तर बहने कुछ समान शमान रखने वाला है और उन्दे तो बाद जरा है असा निकल सूँ सीधा घर वास्ते। जी दोस्तों असा हूँ जरा है ना दफ्तरों निकले हैं और वेंदे पए हैं घर, हमजा भी नाल है, हमजे को रस्ते घर छोड़ते और वाल जरा है असा घर निकलवे सूँ और घर वाइते करेंगे रेस्ट, रोटी शोटी खाने और वाल एक्सरसाइज भी करनी है जनाब। हमजा जाके भी आपने साइकिल चलानी है कितना? 1.5 घंटा। अच्छा वैसे फर्क कोई नहीं पड़ रहा, मैंने हिसाब लगाया आपकी साइकिल चलाना जो है ज्यादा जा रही है। 4 दिन से फर्क पड़ेगा।
लेकिन मतलब कोई आस उम्मीद भी नहीं मुझे नजर आ रही। इधर तो ऐसी उम्मीद ना आता दोस्तों, अपने जरी एक्सरसाइज है ना वो बड़ी जबरदस्त चलती पई है, और बनते वाल तो को एक्सरसाइज भी खेना, पहले रोटी शोटी खासू वाल एक्सरसाइज करे सो। क्यों भाई तसव्वुर भाई, आपकी भी एक्सरसाइज चल रही है कोई? नहीं चल रही है, लेकिन खाने के अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए सर। तो खाने के अलावा ही करते हैं, खाना अलग खाते हैं एक्सरसाइज अलग करते हैं? नहीं सर, हाँ वो बस प्रॉब्लम हो जाते हैं, खाना नहीं खाना चाहिए, मेदे में सुराख हो जाते हैं। वो तो अड्डा भला हो जाए, मैं ठीक कह रहा हूँ, हर्निया हो जाती है सर, लेकिन ज़रा खाना खाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे ना। आप रोटी से पहले कैसे एक्सरसाइज करें? इसका मकसद ये होता है कि अपने जिस्म को टफ करना, अपने आप को टफ करना। टफ तभी बंदा होता है जब बंदा का जिस्म खुराक डिमांड कर रहा होता है। असि केड़ा एसएसजी कमांडो बनना जड़ा असि टफ करना। जी दोस्तों, मैं आ गया घर, आमना दा जरा खेलन दा टाइम है अपने खिलौनिया दे नाल, और साडा है एक्सरसाइज दा टाइम। और अज जरा है ना पहले वार्म अप थी सूं, वल जरा उंदे तो बाद एक्सरसाइज शुरू करेंदे हैं, और ज़बरदस्त ही जरा है ना एक्सरसाइज करनी पोसे। ये जरा है ना सर्दियाँ इसका थोड़ा बहुत राज रहे वेंदे स्वेटर श्वेटर कोट शोट, लेकिन गर्मी जरे टी शर्ट पानी हो ना वाल जरा राज नहीं रहा पेट का। तो हूँ जरा एक सर्दियों बिल्कुल फ्लैट बेहतरीन जहा करने, और वैसे भी सेहत सब तो पहले, बाद बाकी सारे काम। आपने जाना जो एक्सरसाइज करे मेरा बेटा। दोस्तों तक पता है अजकल अपने विलॉग जरे ना वो चलते पे डू डीहाँ, रात का शुरू किया विलॉग, हूँ अस आ गए हैं बल्कि पहुँच गए हैं नियाजी अड्डे। इतना तुहाडी बड़ी खास मुलाकात करवेंदे आ, बड़ा जबरदस्त विलॉग है आला भी, तो क्यों जो कल दा चलदा पे तो असा हिक्का चलन दे। दोस्तों असा इतना पहुँच गए हैं नियाजी टर्मिनल, उन्हां दे कोल बजाश नियाजी साहब कोल। मैं जरा ना सेल्फी स्टिक चा गई ना, वैसे तो हूँ ठीक बन वेंदा उहदे हाथ नाल भी, लेकिन जरा ना सेल्फी स्टिक नाल जरा आसानी रह वेंदी है। जी दोस्तों अस आ गए इतना नियाजी टर्मिनल ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अंदर दोस्तों जड़ा उन्होंने दे नाल बांधे हैं, उन गपशप लेने हैं और हाल हवाल गिनते हैं उन्होंने कोई सारा, जरा मज़ेदार किस्म की गपशप लग से अपनी। दोस्तों ये इन्हों का नियाजी वाले का ना तो जहर तक सारे को पता है, बजाश नियाजी साहब जे वो इनके ओनर हैं, और सारे बसा जनाब इतों लाहौर तू दूजे शहर वास्ते निकलद पे जा। दोस्तों असा जरा है ना हूँ परली साइड से वेंदे पे, इतना जरा उन्होंने ऑफिस उतनी रेनोवेशन रेनोवेशन चलती पी है, तो उन्होंने आखिर जरा उस साइड से ऑफिस है ना नियाजी एक्सप्रेस शुरू किए चोखा अरसा थी गए, मतलब असा तो जडन दे पैदा थे, असा तो नियाजी एक्सप्रेस का नाम ही सुनते पे, और इन पुराना कौन जी 2000 शुरू थी है जी 99 दे अखीरले। अच्छा तो 2000 माशाल्लाह शुरू होया जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बसा अल्लाह ताला वादू दित्ती है जी, काफी दित्ती है ते असा साडा केरा दौर है ना जी जिया शरफ साहब वाला मजबूत हो लोग सफर कर सैरो तफरी शहर आंदे जी मुड़ना है
ਉੱਪਰ ਸਿਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਫਣਾ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਵੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਾਂ ਜਿਤਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਸਨ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੀ ਬੋਸ ਇਹ ਬਸ ਬਾਬਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੀਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਆਫਿਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲੈ ਮਹਿਰਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਾਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਜਾਸ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਥਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਥੀਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਥੀਵਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਥੀਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਸਵਰ ਬਾਈ ਸੁਣਾਏ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਾਸ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਕੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਜਾਸ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਫੋਟਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਫੋਟਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਭਾਵ ਪੜਦੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਿਓਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰੁਟੀ ਭਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕਹਿਣੀ ਆਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਜੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਵਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਆਮੀਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗੇ ਖੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਸਵਰ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਬੀਨ ਭਾਈ ਆਪ ਖੁਦ ਚਲਾਏਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਆਫਿਸ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰ ਸੇ ਹਾਂ ਇਧਰ ਉਸ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 3000 ਬੁੱਧ ਆਜ 6:04 ਪੇ ਤਾਰਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਸਰ ਤਾਰਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਰਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਗਿਣਨੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਅਸੇ ਭਾਈ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਅਸੇ ਔਰ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਬਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਜਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਸ ਅਸਾਂ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀ ਅਤੇ
अहमद अबू बकर साहब, वेलकम सर, वेलकम। अहमद अबू बकर, ये व्लॉग अभी शुरू हुआ सर, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अहमद अबू बकर के लिए आज जो है वो एक दोस्तों से मंगवाया है, एक अहमद अबू बकर साहब वास्ते खास गिफ्ट। ए सर, ए इथू झलो इको और इको इवें खोलते व्यूवर्स को दिखाओ तुम्हारे वास्ते असा क्या गिफ्ट मंगवाए से। अच्छा, ब्रांड ना आवे विच, ब्रांड ना आवे सही, ब्रांड ना आवे विच। महंगा व्लॉगर थे गए जी, ब्रांड्स नाल भी पंगा शुरू थे गए ना। सही ना, असन ब्रांड्स आ रहे ए गिनो दोस्त। उफ उफ, ए जी अहमद अबू बकर भाई वास्ते जे रहे ना असा ए एक मंगवाए ए पर्स, ए इन वास्ते खास गिफ्ट है। और अबू बकर भाई पर्स खाली ढेसो या सर जी में हुक्म करो। लो जी दोस्तों, हुन असा जे रहे ना इथों निकलते पे हैं माल रोड ते, जरा ना ऑफिस है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जरी अजकल हैं वजीर आला पंजाब दी स्पोक्स परसन भी उन्हां दे कोल वेंदे पे हैं। अज असा उन्हां दे नाल वांते जरा ना गपशप लेंदे हैं, उन्हां दे नाल हाल हवाल घिंदे हैं, सियासत दा हाल हवाल घिंदे हैं, पंजाब दी सूरत हाल दा हाल हवाल घिंदे हैं। ते उन्हां दे कोल जरा ना हुण असा इथों निकलते पे हैं। ए आला व्लॉग जरा ना इतें एंड करेंदे पे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो, वसेब दे लोकां दा ख्याल रखे सो। अल्लाह हाफिज़।